बिस्मिल्लाहिर रहमानिर शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू बिस्मिल्लाह बाइट्स। व्यूअर्स, आज बहुत ही आसान सी जो कि बहुत जल्दी बन जाती है सैलड बनाऊंगी। आपके घर में जितनी भी वेजिटेबल्स हों आप उन वेजिटेबल्स से बना सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल थी मैं उनसे बनाऊँगी। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी के लिए बिस्मिल्ला करते हैं। एक सैलड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बाउल, और इस बाउल के अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ एक बड़ी साइज़ की प्याज चॉप की हुई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो मीडियम साइज़ के खीरे इस तरह से कट किए हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर स्मॉल क्यूब्स में कट की हुई। आप एक ही साइज़ की अगर सैलड काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा उसका लुक आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें तीन मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी। जितनी आपके पास सब्ज़ियाँ हों आप वो इसके अंदर डालें, और सबका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। मेरे पास जो जो अवेलेबल थी मैंने वही डाली हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़ी हरी मिर्चें चॉप की हुई। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा लेमन स्क्वीज करके। अब मैं इसमें डाली हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। बस ये चीज़ें डल गई इसमें, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। ये सब चीज़ें डालकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी, सिंपल सी और बहुत ही इजी सी सैलड रेडी है। कितनी आसानी से ये सैलड बन गई, आप भी ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।